कुछ समय पहले हमने दिखाया था अभयपुर के पार्कों का हाल, जहां पर हमने लगातार शिकायत हमें मिल रही थी कि पार्कों का बहुत ही बदहाल हालत है। और हमने जब लाइव जब वहां पे पार्कों में जाके देखा तो हमें सच में ऐसा लगा कि ये पार्क है, क्योंकि लोग आने से कतरा रहे थे, जाने से कतरा रहे थे, लोग खाना खाने से कतरा रहे थे, बेंचें टूटी पड़ी थी, बड़ी बड़ी घासें थी, बरसात का मौसम था जिस वजह से यहाँ पर सांप बिच्छू का भय बना हुआ था। वहीं जब लगातार इस तरीके के हमें कमेंट्स आ रहे थे तो हमने वार्ड पार्षद राजेश जी से बात करने की कोशिश की कि अभी तक ये मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है, क्यों अपने वार्ड की वो प्रगति नहीं कर रहे हैं। तो इस मामले में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक पार्क डेवलपमेंट कमेटी का गठन नहीं हुआ था, लेकिन जब इस वजह में हमने कमिश्नर से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि हाँ पार्क डेवलपमेंट कमेटी का कुछ समय बाद गठन हो जाएगा। और आज जब हम यहाँ मौके पर पहुँचे हैं तो हमने देखा कि हाँ पार्कों में सफाई अब चालू हो गई है। हालांकि ये खबर का असर है या फिर किस चीज़ का असर है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आज हमें काफ़ी खुशी हो रही है ये चीज़ दिखाते हुए कि कहीं ना कहीं आज पार्क साफ है। और इसकी आगे क्या प्रगति रहेगी वो चीज़ हम जान लेते हैं वार्ड पार्षद राजेश जी। हमने पार्कों का मुद्दा उठाया था, लगातार देखने को मिल रही थी, शिकायत आ रही थी कि पार्कों में बहुत दिक्कत आ रही थी, बड़ी बड़ी घासें थी, हमने खुद देखा था कि कमर तक की घासें थी और सांप बिच्छू का भय बना हुआ था, बेंचें टूटी पड़ी थी। अब ऐसा क्या हुआ अनोखा कि आपने इस पर कार्रवाई की? पहले तो मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो खबर चलाई थी, लेकिन आपने जब खबर चलाई थी तो उस टाइम हमारी एक पार्कों में काम करने की डेवलपमेंट कमेटी बनती है, उस टाइम उस कमेटी का गठन नहीं हो पाया था जिसकी वजह से काम नहीं चल रहा था। और ये सब टोटली काम हमारा निगम का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट देखता है। जब इससे पहले हमने फरवरी या मार्च महीने में ये खबर उठाई थी तब आपने कहा था अप्रैल महीने में इसका गठन हो जाएगा, तो इतना लेट क्यों? तो अप्रैल में हमने फाइल इसकी कमेटी बनाने की फाइल लगी थी तो कोरोना काल की वजह से लेट हो गया था, जिस वजह से कमेटी गठन नहीं हो पाया था। और कुछ हमारे प्रशासन में ये था कि कमिश्नर साहब भी नहीं बैठ रहे थे तो इस वजह से लेट हो गया था। और जब कमेटी जब बनी तो पार्कों का काम चालू हो गया है और पहले से स्थिति में है बेटर। पहले से स्थिति हमें काफ़ी उत्तीर्ण लग रही है, अच्छा लग रहा है और देखने में आ रहा है कि अब पार्कों में बैठने की व्यवस्था भी अच्छी की गई है। अभी जब बात रही फिनिशिंग की यानी कि कम्प्लीट इसकी तरफ इस रूपरेखा को देख के बात की जाए कि कभी आपको कोई शिकायत ना मिले, तो वो काम कब तक कम्प्लीट हो जाएगा? ये काम मैंने जो हमारी सोसाइटी के जो भी मेंबर हैं कमेटी के मेंबर हैं मैंने उनको ये कह दिया कि 10 दिन में सारे जितने भी पार्क हैं उनको पूरा प्रिपेयर कर दो। और क्या इसका कोई टेंडर होता है? हाँ, इसका जो ग्रिल का और बेंचेस का और जो दीवार टूटी इसका अलग टेंडर होता है, हो चुका है, बट ठेकेदार ने अपना काम करना चालू करना है। मेरे तो इनको कोई अल्टीमेटम भी दिया है आपने? हाँ, इनको जो ठेकेदार को अल्टीमेटम दे दिया गया है, क्योंकि काम तो निर्धारित हो जाते हैं, योजनाएं पर योजनाएं आ जाती है, लेकिन टाइम बाउंडेशन ना होने की वजह ठेकेदार भी अपनी मन नहीं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं एसडीओ चंदेल से बात हुई थी और एसडीओ चंदेल ने जो इस कार का बिश्नोई टेंडर के नाम पर हुआ है उसने उसको लेटर जारी कर दिया, काम नहीं करना है तो आप दूसरे चरण में आपका टेंडर रद्द कर देंगे, और ये बात हुई है। बाकी मेरी जो हमारा जो मेरे इससे पहले जे ही साहब थे विक्रम गिल, उनसे बात हुई थी, उनको मैंने बुलाया था कि इस पार्क का कुछ कैसे ज़्यादा विस्तार किया जाए, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का बहुत बड़ा पार्क है और जगह होने की वजह से हम इसमें कुछ नया भी कर सकते हैं। तो मेरा अपना प्लान है कि अगर मौके पर जे आए देखे और प्लान बताए कि इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं तो बात होती, लेकिन अब जे साहब मेरे ख्याल से आज कल फ़ोन किया तो मेरे ख्याल से आए नहीं थे मीटिंग वजह से, तो अब एक दो दिन में जे साहब मिलके और इस पार्क में जो भी फेसों के बड़े पार्क हैं हमें पार्क की एक नई रूपरेखा देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल देखने को मिलेगी, ताकि जैसे सेक्टरों में या फिर हमारे सेक्टर 5 पार्क बने हुए हैं, फाउंटेन पार्क बने हुए हैं, उस तरह की ऐसी व्यवस्था करने की, हाँ उस तरह से इसको बनाने का ओपन जिम बनाने का भी कोई प्लान है? हाँ बिल्कुल, ओपन जिम तो रहेगा, ओपन जिम तो वहाँ टेंडर हो चुका है और जैसे ही ठेकेदार काम चालू होगा तो ओपन जिम हमारे चारों पार्कों में लग जाएंगे। कुछ समय पहले सर पीछे पार्कों में जहाँ पे आपका ऑफिस है वहाँ पे उस वाले पार्क में लाइटों की समस्या आ रही थी? नहीं, अब वो लाइट समस्या ठीक हो चुकी है, वो भी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, लाइटों समस्या ठीक हो चुकी है, खाली इस पार्क में एक लाइट नहीं जल रही है, वो भी मेरी कल ही बात हुई एसके गैरा से एसडीओ साहब से, तो वो ये कह रहे थे कि अभी थोड़ा हमारा मटेरियल नहीं आ पाया है, मटेरियल जैसे आता है मैं इसकी सारे जो भी पार्क है आपकी इसकी तार लग जाएगी। अरे सच में प्रगति पर है, बात बनी बात है कि पार्क डेवलपमेंट कमेटी ना बनने की वजह से कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद को भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन आज देखे हमें भी खुशी हो रही है कि हाँ कहीं ना कहीं उत्तीर्ण रूप से हमें एक अच्छी जगह लग रही है। आज हम भी चाहें तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और वही चीज़ आज हमें अव्यवस्था के रूप में देखने को मिली। हालांकि बात की जाए इस चीज़ की तो काफ़ी लेट हुआ, कोरोना काल का हवाला दिया जाता है कि चलो कोरोना काल की वजह से कमेटी का गठन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी अब रही बात टेंडर की, योजनाओं की, तो टेंडर जब पास हो जाते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि टेंडर समय से काम नहीं करते, ठेकेदार समय से काम नहीं कर पाते, शिकायत चली जाती है। बावजूद उसके इन्होंने बताया कि हाँ टेंडर देते समय उनको अल्टीमेटम भी दे दिया गया, ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने।